हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी की रेसिपी। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए मैंने, देखिए, ये बॉईल होने के लिए पानी रख दिया है। मैंने पतीले में 2 गिलास पानी डाल लिया और उसमें हम ये मैक्रोनी डाल देंगे। इसको हमें बॉईल करना है। 5 से 10 मिनट तक आप इसे बॉईल कर लीजिए। एक बार देखिए, बीच में चला दीजिए, ये पक गई है। इसको हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। अब देखिए, ये हमारी मैक्रोनी पक चुकी है। इसका पानी निकाल दीजिए। अब हम पैन में, देखिए, 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। और अब ये अगर गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए। देखिए, जीरे का हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई 2 प्याज डाल देंगे। इसको मिला दीजिए और इसको मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया प्याज का भी। अब हम इसमें, देखिए, मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं, इसकी मैंने प्यूरी बना ली है। इसको मिक्सर में डाल के आप ग्राइंड कर लीजिए। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसको मिला दीजिए। आप चाहे तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं, अगर आप इसकी प्यूरी बनाकर नहीं डालना चाहते तो। ये देखिए, इसको 1 से 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पहले हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। देखिए, 1 से 2 मिनट पका के इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने हल्दी डाल दी है इसमें 1/2 छोटी चम्मच। धनिया डाल दीजिए आप 1/4 चम्मच। ये मैंने हल्दी डाल दी है 1/2 चम्मच। नमक डाल दीजिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो इसमें, देखिए, ये 1 पैकेट मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम इसे मिला लेंगे, इसको पका लेंगे 1-2 मिनट तक, जिससे कि ये मसालों का फ्लेवर अच्छे से इसमें मिल जाए। ये देखिए, ये मैंने इसमें 2 चम्मच चिल्ली सॉस डाल दी है, रेड चिल्ली सॉस है ये। 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम, देखिए, इसे मिला देंगे। देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें, देखिए, 1 चम्मच मेयोनीज डाल देंगे। आपके पास मेयोनीज हो तो आप इसमें डाल दीजिए, वरना रहने दीजिए। देखिए, इसमें बॉईल आ गया है। इसको मिला दीजिए आप अच्छे से, जिससे कि इसमें मसाले में इसका फ्लेवर अच्छे से मिल जाए। देखिए, कितने ग्रेवी इसकी थिक हो रही है। इसके बाद हम इसमें 1 पैकेट, देखिए, मैंने ये टमाटो केचप डाल दिया है। आप 1 चम्मच टमाटो केचप डाल दीजिए, ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा इसे। और अब हम इसमें ये बॉईल की हुई हमारी मैक्रोनी डाल देंगे। और इसको हम इसमें डालकर 5 मिनट के लिए पका देंगे। इसको ढककर मिला दीजिए आप इसको अच्छे से, जिसमें कि अच्छे से इसमें मसाले मिल जाए। देखिए, रेडी है हमारा मैक्रोनी की रेसिपी। चलिए, अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट ली है, उसमें इसे डाल देंगे हम। देखिए, रेडी है हमारी मैक्रोनी की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए, इटालियन सीजनिंग है ये, इसको हम इस पर डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। रेडी है मैक्रोनी।